आपने बहुत सारी सच्ची कहानियां सुनी होंगी जिसमें यह बताया गया होगा कि किसी ने अपनी बीबी या प्रेमिका के लिए यह बना दिया वह बना दिया। लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसे पिता की प्रेरक कहानी बताएंगे जिसने अपनी जान से प्यारी बेटी के मरने के बाद ये ठान लिया कि अपनी बेटी के नाम को मशहूर बनाऊंगा और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरमा गर्ल की, जिसकी दुख भरी कहानी सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। निरमा वॉशिंग पाउडर का एक जिंगल भारतीय टीवी की दुनिया का सबसे मशहूर विज्ञापनों में से एक है। 90 के दशक का यह जिंगल आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी दुकान पर जाकर निरमा ही मांगते थे। ये कहें कि वॉशिंग पाउडर का पर्याय निरमा बन गया था तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी लोगों के मन में रहा है कि आखिर इस डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर बनी यह बच्ची कौन है जिसे आज तक बदला नहीं गया। दरअसल डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर एक बच्ची सफेद फ्रॉक पहने नजर आती है। समय के साथ साथ टीवी विज्ञापन में अलग अलग चेहरे तो जरूर आए, लेकिन पैकेट पर बनी इस बच्ची को आज तक नहीं बदला गया। ऐसे में यह दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर यह लड़की है कौन, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस बच्ची का नाम है निरुपमा, जिसे घर में सभी लोग प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे, और उसी के नाम पर करसन भाई पटेल ने वॉशिंग पाउडर का नाम निरमा रखा था। कहते हैं ना कि यदि किसी ने कुछ करने की ठान ली तो कड़ी मेहनत से उसे पा ही लेता है। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे पिता की कहानी जिन्होंने अपने मृत बेटी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो अपने सपने को सच करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर साइकिल में घर घर जाकर अपना उत्पाद बेचना शुरू किया। आज इनका नाम देश के अरबपतियों में शुमार है। 90 के दशक में जब रामायण सीरियल आता था तब आपने अक्सर एक विज्ञापन देखा होगा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। कुछ याद आया, इस विज्ञापन के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है और वो है निरमा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल। गुजरात के मेहसाड़ा गांव में जन्मे करसन भाई के पिता खोड़ीदास पटेल बेहद साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे करसन को रसायन शास्त्र में स्नातक करवाया। पढ़ाई के बाद गुजरात के अन्य लोगों की तरह ही करसन भाई भी अपना खुद का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि वह खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर सके। ऐसे में उन्होंने एक लैब में असिस्टेंट की नौकरी कर ली। बाद में गुजरात सरकार के खनन एवं भू विज्ञान विभाग में इन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद करसन भाई अपने परिवार के साथ खुश जरूर थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। कुछ अलग करने की ख्वाहिश उनके मन में दबी हुई थी। तभी एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। उनकी बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। इस घटना ने करसन भाई पटेल को अंदर से तोड़ दिया। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर अपना नाम रोशन करे, लेकिन बेटी के इस काम को उसके पिता ने पूरा किया। करसन भाई पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था, जिसे सभी प्यार से निरमा बुलाते थे। करसन ने अपनी स्मृत बेटी के नाम को जीवित रखने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की। वर्ष 1969 में करसन ने अपने घर के पीछे ही वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। साइंस में स्नातक पास करसन के लिए यह इतना कठिन नहीं था। उन्होंने सोडा एस के साथ कुछ रसायन मिलाया और पीले रंग के पाउडर के साथ उनका फार्मूला बन गया। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने साइकिल से घर घर जाकर मेहनत की, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगा तो सरकारी नौकरी और खुद का व्यापार एक साथ होना संभव नहीं था। ऐसे में करसन भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया, जो उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन करसन भाई को अपने फार्मूले पर पूरा भरोसा था। उस दौर में देश में तब हिंदुस्तान लीवर या विदेशी कंपनियों के ही सर्फ बाजार में बिकते थे, जो उस समय 13 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करते थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार की बजट में नहीं था। ऐसे में लोग साधारण साबुनों से अपने कपड़े धोते थे, लेकिन इससे हाथ खराब होने का डर रहता था। तब करसन भाई ने मात्र 3 रुपए किलो में अपना निरमा सर्फ बेचना शुरू किया, जो विदेशी कंपनियों के सर्फ से 4 गुना से भी ज्यादा कम था। इसके साथ ही करसन भाई लोगों को गारंटी भी देते थे कि यदि कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। ऐसे में लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया।
करसन भाई का व्यापार जब चल पड़ा तो वे इसे केवल मेहसाणा तक ही नहीं सीमित रखना चाहते थे, वे अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने निर्मा का विज्ञापन टीवी पर दिया और वह हिट हो गया। देखते ही देखते मध्यम वर्गीय परिवार की पहली पसंद बन गया निर्मा। करसन भाई का उत्पाद जब टीवी के माध्यम से जिंगल सबकी पसंद निर्मा पूरे देश में छाया तो स्थानीय बाजारों में निर्मा सर्फ खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। तब मार्केट कैप्चर करने के लिए करसन भाई ने एक तरीका अपनाया। बाजार में मांग के हिसाब से करसन भाई को अपने उत्पाद की सप्लाई बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी से 90% स्टॉक वापस ले लिया। एक माह तक ग्राहक केवल निर्मा के विज्ञापन देखते और बाजार में सर्फ की डिमांड करते जो उन्हें नहीं मिलता। ऐसे में देश भर के थोक और खुदरा व्यापारी करसन भाई से निर्मा की आपूर्ति करने का आग्रह करने लगे। तब जाकर उन्होंने मार्केट में आई मांग का फायदा उठाते हुए सप्लाई शुरू की। नतीजन निर्मा देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए नंबर एक की पोजीशन पर पहुंच गया। इस तरह से करसन भाई ने अपनी मृत बेटी के नाम को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार करसन भाई पटेल की कुल संपत्ति $4.1 बिलियन है। दुनिया में धनवानों की सूची में उनका स्थान 775वां है, जबकि भारत में धनाढ्य लोगों की सूची में वे 39वें स्थान पे हैं। कैसी लगी आज की प्रेरक जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।